क्रिकेट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। महिला टी20 वर्ल्ड कप, भारत लगातार तीसरी बार अपना पहला मैच जीता। डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराया। पूनम यादव ने 4 विकेट लिए। पूनम यादव ने 4 ओवर में 19 रन देकर 4 विकेट लिए। भारत ने 132 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 19.5 ओवर में 10 विकेट पर 115 रन बना सकी। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 49 रन बनाए। पूनम यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। भारत टूर्नामेंट में अपना दूसरा मुकाबला 24 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। भारत ने महिला टी20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी बार अपना पहला मैच जीत लिया। टीम इंडिया ने शुक्रवार को सिडनी में हुए मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से हराया। इससे पहले भारत ने 2018 के वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 34 रन से हराया था। तब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 51 गेंद पर 103 रन की पारी खेली थी। इस मैच में उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके लगाए थे। 2016 में भी भारत ने पहले मैच में बांग्लादेश को 72 रन से हराया था। तब कप्तान मिताली राज ने 42 और हरमनप्रीत कौर ने 40 रन की पारी खेली थी। भारतीय टीम की वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया पर यह लगातार दूसरी जीत है। 2018 में भी भारत ने कंगारू टीम को शिकस्त दी थी। पूनम को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच में भारत की तरफ से पूनम यादव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। वहीं शिखा पांडे ने 3 और राजेश्वरी गायकवाड़ ने 1 विकेट लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने 49 रन की पारी खेली। शेफाली वर्मा ने 15 गेंद पर 29 रन बनाए। जेनिमा रॉड्रिग्स ने 26। कप्तान हरमनप्रीत कौर 2 रन बनाकर आउट हुई। वेदा कृष्णामूर्ति 9 रन बनाकर नाबाद रही। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 19.5 ओवर में 115 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा 51 रन एलिसा हिली ने बनाए, जबकि एशले गार्ड ने 34 रन बनाकर आउट हुई।